नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे देव इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है कि हम थ्री फेज का ऑटो DOL बेंटेक्स कंपनी के स्टार्टर के अंदर किस प्रकार से इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है वैसे तो, लेकिन इस प्रकार के ऑटो की वीडियो नहीं बना रखी है। तो दोस्तों इस प्रकार के ऑटो के भी मैं कनेक्शन दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसके अंदर 7 वायर होते हैं जो कि ऑलरेडी कंपनी से इसके निकले हुए होते हैं, और उसके अंदर हमको स्क्रू दिया होता है, यहाँ पे कनेक्शन प्लेट होता है, वहाँ पे हमको वायर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों इसके अंदर टोटल 7 वायर हैं, ये देखिए, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है वो सेम RYB NB S1 S2 मैं फोकस करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखिए। तो दोस्तों इसको लगाते हैं, सबसे पहले हमारे 3 वायर है RYB, तो हम इनको तीनों फेज में जोड़ देंगे। आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं जहाँ पे इसके फ्यूज लगते हैं, और स्टार्टर के अंदर भी आप जोड़ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले R वाला ले रहा हूँ, और दोस्तों वीडियो के अंदर थोड़ा स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि आज मेरे पास ट्राईपोड नहीं है, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान न दें। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले R वाला लगा रहा हूँ, आर वाला सबसे पहली वाली खूंटी पे लगाना हमको। ठीक है दोस्तों, इनको मैं बाद में टाइट करूँगा क्योंकि अभी मेरे एक हाथ में तो कैमरा है और दूसरे हाथ से मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बस दिखाने के लिए यहाँ पे ये वायर लगा रहा हूँ दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये जो मैं कनेक्शन करने जा रहा हूँ इस ऑटो के, ये बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको पूरे वायर नहीं लगाना है, कॉमन करना है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए मैंने R लगा दिया, Y लगा दिया, देखिए, और लास्ट वाला B वाला है, तो B वाला हम लास्ट वाली खूंटी पे लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तीनों वायर लगा दिए हमने, उसके बाद में हमारे N और V, इनकी बारी आती है, देखिए N और V, तो इसको भी लगाना है दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पे ये भी यहीं पे लगेगा, इसको और हमारे जो ब्लू वाला फेज है इन दोनों को कॉमन करके एक जगह पे लगा देंगे, ये दोनों कॉमन बनेंगे हमारे। ठीक है, यानी कि ये लास्ट वाला और ये वाला दोनों कॉमन हो जाएंगे और एक ही जगह पे दोनों वायर लग जाएंगे। तो इन दोनों को कॉमन कर रहा हूँ मैं, और दोस्तों कॉमन करके इसको भी इसी कूटी पर लगाना है। उसके बाद में दोस्तों हमारा वी वाले की बारी आती है, तो वी वाला हमारा ये मेन पॉइंट की बात आती है। तो यहाँ पे एक वायर लगा रहता है हमारा फेज वाली से लाल बटन वाली खूंटी पे, तो इसको हमको रिमूव कर देना है क्योंकि यहाँ पे ऑटो कनेक्शन होंगे। ठीक है, तो इस वायर हटाना ज़रूरी है दोस्तों यो, क्योंकि ऑटो काम नहीं करेगा हमारा। तो देखिए ये हमारा वी वाला है जो यहाँ पर लगेगा, यानी कि N और V दोनों को सीरीज में जोड़ना आप लोगों को, जहाँ पे हमारा ये वायर लगा रहता है लाल बटन पे और फेज पे। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद में S2 की बारी आती है, S2 को भी यहीं पे लगाना आप लोगों को, V और S1 या S2 दोनों में से कोई से भी वायर को आप कॉमन करके एक जगह पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ S2 को और V वाले को कॉमन कर रहा हूँ मैं। अब हमारा लास्ट वायर बचता है S1, तो S1 को दोस्तों आपको कहाँ पे लगाना है वो देखिए, S वाले को हमारी लास्ट वाली जो हमारा हरा बटन है वहाँ पे लगाना है आप लोगों को, या फिर आप रिले पे भी लगा सकते हैं दोस्तों, वो एक ही बात है। तो इस प्रकार से इसके कनेक्शन होते हैं दोस्तों। देखिए मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ, RYB तीनों फेज हमारे तीनों खूंटी पे लगा देना आपको। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों को कॉमन कर लेना आपको, यानी कि हमारा तीसरा फेज है ब्लू वाला और N वाले दोनों को कॉमन करके तीसरी खूंटी पे लगा देना है। उसके बाद में बारी आती है V और S1 की, दोनों को कॉमन करके हमारे रेड वाले उस बटन के फर्स्ट वाले टर्मिनल पे लगा देना आपको यहाँ पे, और यहाँ पे जो वायर लगा रहता है उसको आपको रिमूव कर देना है, बस ये वायर इसके अंदर हटाना है।
उसके बाद में लास्ट वाला रहता है एस वन, तो इसको हम लास्ट में लगाएंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसके कनेक्शन होते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो में अगर नॉइज आ रही हो तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे वीडियो मेरी शॉप पे शूट करता हूँ मैं ज़्यादातर वीडियो, इसलिए आपको वीडियो में नॉइज देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।